नमस्कार स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर मैं हूं अशोक मान खड़े लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे खबर हरियाणा की भी नहीं खबर जम्मू कश्मीर की भी नहीं महाराष्ट्र और झारखंड की भी नहीं खबर ईडी सीबीआई की नहीं खबर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की नहीं ये जो खबर आज मेरे नजर के सामने पड़ी और जो मैंने एक्सरे के नीचे रखी ये दूर कर्नाटक से है कर्नाटक में कांग्रेस ने भारी विजय हासिल करने के बाद अपनी सरकार बनाई सीतारामैया के नेतृत्व में सरकार चल रही है लोकसभा में भी जरूर कांग्रेस को अच्छा खासा सेटबैक बैठा और बीजेपी ने कम बैक किया लोकसभा के विजय के बाद हालांकि बीजेपी की सीटें घटी फिर भी जो सीटें कांग्रेस को लग रही थी कि कांग्रेस 20 सीटों पर आ जाएगी वो मात्र सात आठ सीटों पर सीमित रही अपना नुकसान भरपाई यही बीजेपी के लिए कर्नाटक में एक आशा का द्वीप है अब उस लोकसभा के चुनाव के नतीजों के ऊपर वहां के कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ज्यादा हो गया और फिर बात यह हो गई कि सीतारामैया की खिलाफ मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी में उतने पत्नी बेटे के नाम पे कुछ प्लॉट गलत तरीके से लिए इसके लिए एक आंदोलन चला बेंगलोर से मैसूर तक पदयात्रा चली सभी लोग आक्रामक हो गए और जो कि हमको पता है कि आजकल राज्यपाल जो है वो वही बीजेपी के ही एक एजेंट के रूप में काम करते हैं वो राज्यपाल बेसिकली केंद्र के एजेंट हुआ करते थे अब वो केंद्र में जिसकी सत्ता है उस पार्टी के होते हैं उन्होंने सीताराम मैया को के खिलाफ मुकदमे की परमिशन दे दी ये बात जब तेज हो रही थी इसी बीच में आज एक वक्तव्य आया जो मैंने एक से नीचे निकाला वो ये है कि येदुरप्पा के नेतृत्व में जो बीजेपी की सरकार इसके पहले थी कांग्रेस की सरकार के पहले उन्होंने कोविड में केंद्र ने जो उनको तेरह हजार करोड़ रुपए दिए थे उसमें से एक हजार करोड़ रुपए का गबन किया मिसमैनेज किया एक हजार रुपए करोड़ का झोल है ये, ये वक्तव्य उनके कानून और संसाधन संसदीय मंत्री एच के पाटिल ने किया क्योंकि बात यह गई कि जब सरकार बनी तब लगातार ये आरोप थे चुनाव के दौरान भी ये बोला जा रहा था कि कोविड में जो तेरह हजार करोड़ रुपए आए उसमें बहुत ज्यादा धांधली हुई लोग देख रहे थे दवाइयां और इक्विपमेंट किस हिसाब से खरीदे गए खासकर ऑक्सीजन सिलेंडर, सिलेंडर का मैनेजमेंट इतना बुरा था कि कईयों की मौतें हो गई इसको देखते हुए सत्ता में आने के बाद अगस्त 2023 में सर मैया की सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए और इसके तहत एक जस्टिस जॉन माइकल जी कुना कमिटी की स्थापना की और उस कमिटी ने अब प्रारंभिक रिपोर्ट जो जमा की है वो एक हजार पेज की है और जब जस्टिस कुन्हा की कमिटी ने ये प्रारंभिक रिपोर्ट सबमिट की हजार पेज की उसपे आज कैबिनेट में चर्चा हुई गुरुवार को पांच तारीख को और जो प्रारंभिक चर्चा से ये बात समझ में आती है कि एक हजार करोड़ रुपए का गबन तो उसमें दिखाई देता है हालांकि फाइनल रिपोर्ट के लिए छह महीने का एक्सटेंशन इस कमेटी को दिया गया कमीशन को दिया गया और अब ये जो जांच है छह महीने और चल के फाइनल रिपोर्ट देगी जो आने वाले जो शीत विधानसभा का सत्र है विंटर सेशन है उसमें रखा जाएगा लेकिन इस एक हजार पन्ने की जो रिपोर्ट है उसको जो चीफ जस्ट चीफ सेक्रेटरी है राज्य की शालिनी रजनीश उनके साथ एडिशनल सेक्रेटरी और बाकी कुछ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरीज मिलके एक अधिकारियों की कमेटी बनाई है और इस हजार पेज की रिपोर्ट पर एक महीने के अंदर एक अंतरिम रिपोर्ट पर एक रिपोर्ट बनाकर देनी पड़ेगी लेकिन यदि एक हज़ार करोड़ की रिपोर्ट मार्केट में आती है जिसमें खासकर तीन मुख्य आरोप है कि तेरह हजार करोड़ रुपए आए थे उसमें से एक हज़ार रुपये करोड़ का झोलझाल है और ये दवा खरीदने में इक्विपमेंट खरीदने में गैस के सिलेंडर मैनेज मिसमैनेज ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाइज में और बाकी चीज़ों में जो झोल है उसके लिए है और तीसरा है कि जब ये कमेटी बनी जस्टिस कुन्हा कमेटी और इन्होंने जब कई फाइलें मांगी तो कई डिपार्टमेंट से फाइलें गायब है ये फाइलें गायब कुछ नहीं की बातें भी सामने आएंगी, क्योंकि कमेटी की प्रारंभिक रिपोर्ट कहती है कि बार बार मांगने पे ये ये फाइलें नहीं दी गई डिपार्टमेंट कहता है कि ये फाइलें दिख नहीं रही है तो सरकार ने जाने के पहले क्या यह फाइलें गायब कर दी और क्या कुछ फाइलें गायब होने से एक घोटाला रुक सकता है क्या एक तरफ जब सिताराम पे हमला बोल दिया और उन्हें कटघरे में खड़ा कर उनके खिलाफ आ, एक मुकदमा दायर हुआ हालांकि उसके खिलाफ वो कोर्ट चले गए हैं निर्णय अभी जब होगा तो होगा लेकिन इसी बीच इस रिपोर्ट का आना ये बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है येद्यूरपा ऑलरेडी कई मामलों में जूझ रहे हैं उसके सरकार पे एक हजार करोड़ का ये यदि मुकदमा दायर होता है या फाइनल रिपोर्ट में ये दोषी पाए जाते हैं तो फिर भाजपा की भ्रष्टाचार की लड़ाई का क्या होगा वैसे भी भाजपा जब भी भ्रष्टाचार की लड़ाई की बात करती है वो खोखली होती है क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दलों के सबसे भ्रष्ट नेता वहां से तोड़कर अपने दल में लाने वाला भारतीय जनता पार्टी कतई भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं कर सकते यदि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की लड़ाई होती तो फिर आज अजित पवार हो जाए हेमंत विश्व शर्मा हो जाए अधिकारी हो जाए ऐसे कई नो नेता है छगन भुजबल हो और नारायण राणे हो जो मंत्रिमंडल में बैठे दिखाई देते हैं जो ऊंचे ओहदे पे बैठे दिखाई देते हैं ये जेल में होते हैं लेकिन भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार की लड़ाई सिर्फ चुनावी रणनीति होती है भ्रष्टाचार की लड़ाई अपने विरुद्ध जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनको इंगित करने के लिए होती है सही मायने में तो भ्रष्टाचारियों का दोनों हाथ से व्याभिचारियों का दोनों हाथ से भाजपा में स्वागत होने लगा है संघ कहता रहे कि भाजपा वॉशिंग मशीन नहीं बने लेकिन फिर संघ की सुनता कौन है आज भी मोहन भागवत बहुत कुछ बोल गए लेकिन उसमें भी कौन सुनता है कुल मिलाकर जब मैं एक सर से देखता हूं खुद और सीताराम मैया को घेरने की जो बात बीजेपी ने की और लग रहा था कि हो सकता है कि मोरल ग्राउंड पे राहुल गांधी कहीं इस्तीफा न मांग ले। लेकिन इसी बीच ये जो रिपोर्ट आई खाना कमेटी की ये रिपोर्ट भाजपा को जरूर बैकफुट पे लाएगी कर्नाटक में भी और केंद्र में भी आज एक स्रे में इतना ही कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ तब तक के लिए नमस्कार देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर